जी पक्का है। मोदी जी 400 पार कह रहे हैं। मोदी जी 400 पार कह रहे हैं, इतनी महंगाई करके 400 पार हो जाएंगे। जो सिलेंडर 400 रुपये में आ रहा था आज 1200 रुपये मिल रहा है, महंगाई करके 400 पार हो जाएंगे। लोग तो कह रहे हैं कि चाहे 500 रुपये 1 लीटर पेट्रोल हो जाए, चाहे सिलेंडर 5000 का हो जाए, हम मोदी जी को ही वोट देंगे। मैम हम तो नहीं देंगे, हम तो बिल्कुल इस बार कांग्रेस को, हर बार मोदी जी को दिया है, इस बार कांग्रेस को देंगे। महंगाई से हमारा गुजारा नहीं हो रहा ना मैम, महंगाई करके आप बोलोगे 400 पार, तो ऐसे थोड़ी होगा। इतना तो अब 400 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है पेट्रोल। उस टाइम तो स्मृति ईरानी जी वहाँ पे सिलेंडर के लिए वो कर रही थी, और आज अब नहीं पता है स्मृति ईरानी जी को कि कहाँ है, ठीक है। उस टाइम तो 60-62 रुपये पेट्रोल था तो धरना दे देते थे। आज नहीं देख रहा 100 रुपये का पेट्रोल हो रहा तो कोई धरने का बात। यही पेट्रोल 109 रुपये में MP में है, यहाँ पे 100 रुपये में है। उस टाइम 60 रुपये में धरना दे रहे थे, बड़े तरीके से हो रहा था। अब महंगाई के मैम इतना मार खा रहे हैं, सब्जियों के रेट, हर चीज़ के रेट महंगे हुए हैं। अब 400 पार इसमें मोदी जी कर लेंगे, प्रभु है उनका तो देख लेंगे। हरियाणा में तो कह रहे 10 पार कर लेंगे, 10 की 10 जीत जाएंगे। हरियाणा का तो मैम पता नहीं, हम हरियाणा से नहीं है, पर MP का तो हमें पता है कि इस बार कांग्रेस पक्का है कि कांग्रेस आएगी वहाँ। तो ये कह रहे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, भले ही 400 पार की बात की जा रही है मोदी जी की तरफ से, लेकिन 400 पार की कोई ऐसी हवा है नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोग महंगाई से त्रस्त भी हैं। वो कह रहे हैं महंगाई इतनी ज़्यादा है, हम कैसे आपको वोट दे के 400 पार पहुँचा दें। महिलाएं भी कुछ